दोस्तों आज बात करेंगे कैल्शियम के बारे में और कैल्शियम क्या होता है, हमारे पौधों के लिए क्या जरूरी है पोषण तत्व के लिए कैल्शियम, वो आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे कि हमारे पौधे में आप पहचानेंगे कैसे कि हमारे पौधे में कैल्शियम की जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको हर एक बार बताते हैं कि कैल्शियम डालिए, फास्फोरस डालिए, जिंक्स डालिए, आयरन डालिए, तो ये पोषण तत्व किस चीज़ में काम आता है, तो आज का वीडियो में यही बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हिबिस्कस का फूल है और ये बहुत ही अच्छा से खिला हुआ है, तो कैल्शियम नहीं होने से ये इसका अवस्था कैसा होता और ये कली बनने से पहले झड़ जाता है, या इस तरह से कली जो बन रहा है बहुत ही अच्छा से, जो इसका कल फूल खिल जाएगा तो क्या होता है, तो इसके लिए आपको ये बताएंगे कि आपको एक दो फूल भी दिखाएंगे जो जिस अवस्था से वो खिल नहीं पाया। जैसे कि यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको गुलाब का फूल, ये बहुत ही अच्छा से खिला हुआ है, पर इस पौधा को हम जानते हैं, इस पौधा में कम से कम इसका फूल इतना बड़ा आ रहा था, तो इसमें कैल्शियम का जरूरी है, इसे डालना इस पौधा में कैल्शियम को जरूरी है, क्योंकि फूल तो खिला है और कहीं से सड़ा गला भी नहीं है, बहुत ही अच्छा से खिला है। कैल्शियम का कारण से फूल सड़ भी जाता है, फल यदि आप लगाए हुए हैं, टमाटर है, लौकी है, कद्दू है, तो उसका साइज तो छोटा बनता है और बनने के बाद आप देखेंगे साइड से वो सड़ जाता है, तो वो होता है कैल्शियम का कमी के वजह से। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें, हम ये गुलाब का कटिंग किए थे और इसका वीडियो भी डाले थे, आप लोग को दिखाए भी थे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पीला रोज है, पीला रोज में क्या हुआ है, इसका फूल सूख गया है, आप देख सकते हैं इसका जो फूल खिलने से पहले ये सूख गया है, तो इसमें हमारा क्या काम आया, कैल्शियम का, इसे हम समझेंगे कि इसमें हमारा यदि कैल्शियम रहेगा तो ये फूल इस तरह से सूखेगा नहीं और फूल का साइज भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब आपको दिखाते हैं दूसरा जो कटिंग किए हैं और कटिंग करने के बाद इसमें कैल्शियम हम डाले थे, तो ये गुच्छे वाला फूल है और एक बार में ढेर सारे फूल खिलते हैं और इसमें हम कैल्शियम डाले भी हैं, आप देख सकते हैं ये कहीं कहीं से धीरे 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 इसके जड़ों में जा रहा है। तो आज आपको एक नहीं, दो से तीन, चार, पाँच, छः, जितना हमको आपको ये बताना है कि कैल्शियम किस अवस्था से आप डालें, यानी कि आप फ्री में कैसे डालें। आपका घर में जो भी पौधा है, दोस्तों आपके घर में जो भी पौधा है और वो पौधा को आपको कैल्शियम कैसे डालना है, यहाँ पर भी देखें ये भी फूल खिलने से पहले सड़ चुका है, तो इसमें कैल्शियम का जरूरी है डालना है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैल्शियम कैसे डाला जाता है। सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जो फूल खिला नहीं ये कली को हटाना है, क्योंकि हम इसमें जब देंगे तो ये ऊर्जा बिना मतलब का लेगा और अपना बीज बनाएगा। सबसे पहले ये काम कर लें। दूसरा है इसका हम हल्के हाथ से कुड़ाई कर लें, कुड़ाई कर लेते हैं, करने के बाद ये जो काय वगैरह है ये सब भी हट जाएगा और इसके अंदर अच्छा से ऑक्सीजन पहुंचेगा हमारे पौधे को इस तरह से। अब जो हम आपको ये बताएंगे फ्री का नुस्खा, यहाँ लिए कटोरी और कटोरी में लेंगे पानी, थोड़ा सा पानी ले लें। आपको कटोरी में इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप समझें इस चीज़ को, और जिस तरह हम डाल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह डालें। ये है चूना, और चूना आपको कहीं भी मिल जाएगा, चूना आपका बुझा हुआ चूना लेना है, जैसे कि ये गीला हो गया तो ये बुझा हुआ चूना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे समझाएं तो एक चुटकी, यानी कि एक चुटकी हमें चूना लेना है और इस पानी में अच्छे से घोलना है, इस तरह से हम इसे घोल लें, क्योंकि यदि हम इसे घोलेंगे नहीं, अच्छा से मिलाएंगे नहीं इस पानी में, तो जल्दी से हमारा पौधा को कैल्शियम नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से आप फ्री में कैल्शियम पौधा को दे सकते हैं और आपको ये बताएं भी कि कैल्शियम के कारण से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो इस तरह से आपको कितना कितना दिन में देना है।
तो यदि आपको लगे इस बार ये दे दिए और इसके देने के बाद फिर से आपको लग रहा है तो फिर से आप एक बार इसे दे सकते हैं 15 दिन के बाद, इस तरह से आप दे दें साइड में। इसके अलावा आपको क्या देना है, इसे इस पौधा को हम साइड कर देते हैं, आपको एक एक करके बताएंगे ताकि आप समझें। दोस्तों दूसरा में है अंडे का चूरा। अंडा अपने घर पे आप जरूर लाते हैं और उसे उबाल कर खाते हैं। जब आप अंडे उबालते हैं तो उसका पानी भूल कर नहीं फेंके, उस पानी को आप पौधे में दे दें। एक गमले के लिए जितना भी आपका अंडा उबलने के बाद पानी बचता है उस पानी को दे दें। उस पानी के बाद जब अंडे छीलते हैं तो उस छिलका को क्या करें, अच्छे से धो लें। धोने के बाद उसे धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद आप मिक्सी जार में पीस लें, इस तरह से, जिस तरह से हमारे हाथ में देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में है। ये भी बहुत ही अच्छा है कैल्शियम स्रोत के लिए। कितने लोग होते हैं कि हाथों से चूर कर डाल देते हैं, इससे क्या होता है जल्दी से कैल्शियम इसमें पहुंचता नहीं है, इस पौधे में पहुंचता नहीं है, क्योंकि सालों लग जाता है उसे डिकम्पोज होने में। और इस तरह से हम यदि पीस कर डालते हैं तो तुरंत हमारे पौधे को प्रोवाइड करता है सारी तरफ, यानी कि जहाँ जहाँ इसको कैल्शियम का कमी है तुरंत ही इसे मिलता है। और इससे ज़्यादा मिलाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमारा मिट्टी गीला है तो हम इसे सुखा ही देंगे। यदि आपका मिट्टी गीला नहीं है तो क्या करना है, लेना है एक गिलास पानी और आपको एक चम्मच को घोल कर इस पानी वाला को सारा आप डाल दें। उससे भी इस तरह भी डाल सकते हैं, जल्दी से काम करेगा। और ये हमारी मिट्टी गीला है तो हम इस तरह से दे देंगे। एक चम्मच अंडे का चूरा आप 15-15 दिनों में दे सकते हैं अपने पौधे में, बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसे करके आप जरूर देखें, इस तरह से आप मिला दें। इसमें हमारा फूल का साइज छोटा हो रहा था इसलिए इसमें हम दिए हैं कैल्शियम। अब इसमें भरपूर मात्रा से जैसे कली बन रहा है तो ये फूल उभर कर आएगा, बहुत ही बड़ा साइज में आएगा। कैल्शियम का दिक्कत कहाँ कहाँ आता है अब आपको बताते हैं। दूसरे गमले के दोस्तों ये तीसरा गमला है और तीसरा गमला में आपको ये दिख रहा होगा कहीं से भी कली नहीं है और जो पत्ते का भी साइज जो है मुड़ा मुड़ा है, अच्छा से उभर कर नहीं आया। और कहीं कहीं तो क्या हुआ है कि पत्ता मुड़ कर जल चुका है, इसमें वही दिक्कत है, कैल्शियम का ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इसको खरपतवार को निकालेंगे और इसमें बताएंगे आपको क्या देना है। तो इस तरह से कुड़ाई कर लेते हैं। कुड़ाई करने के बाद यहाँ आपको देना है बोन मील। पर दोस्तों बोन मील यदि आप नहीं डालना चाहते हैं और आपको चाहिए घर का ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप लिख लें, हम आपको नाम बता रहे हैं, ये जो हम डालेंगे ये हमारा ऑर्गेनिक ही है। तो इसमें हम डाले हैं 100 ग्राम डाले हैं मखाना और 100 ग्राम डाले हैं सोयाबीन का दाल और 100 ग्राम डाले हैं तिल, यानी कि तीनों का मिश्रण करके आप मिक्सी जार में से पीस लें और पीस के इस तरह से कंटेनर में रख लें ताकि आप कभी भी आपको लगे कि हमारे पौधे में कैल्शियम का दिक्कत है। और ये कैल्शियम ही नहीं, बहुत ही भरपूर मात्रा से हमारे पौधे को जो कमी रहता है, फास्फोरस का कमी रहता है, जिंक्स का कमी रहता है, आयरन का कमी रहता है, तो ये सारे प्रोवाइड को हमारे पौधों को पूरा करता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक चम्मच देंगे। आप चाहें तो बोन मिल भी खरीद कर दे सकते हैं, इस तरह से आपको देना है। देने के बाद आपको करना है कुड़ाई और इसे भी देना है आपको 15-15 दिनों में, क्योंकि हर खाद जो हम बताते हैं वो एक समय होता है कि किस टाइप से किस समय में देना है। और कभी कभी हमारे पौधे में जल्दी सा बीमारी दिखने को मिल जाता है तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि इस अवस्था में ये फर्टिलाइज़र या ये खाद दें। इस तरह से देने के बाद अब जो हम इसमें गुलाब में देते हैं कि सरसों खली देते हैं, हम अपने गुलाब में सरसों खली देते हैं, पर अभी हम इसमें 15 दिनों तक कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे, तो आपको लेना है प्याज का छिलका और प्याज का छिलका 3 से 4 छिलका छील लें और उसमें 3-4 आलू का छिलका छील लें और उसे डुबा दें कम से कम 2 से 3 दिन के लिए और इसे डाल दें। 3 दिन के बाद अच्छा से जब ये आपका मिट्टी सूख जाता है तो वो पानी इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें पत्ते भी अच्छा हो जाएगा और जो पत्ता खराब है उसे आप हाथों के मदद से, इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह का पत्तियां निकाल दें। निकालने के बाद आप देखेंगे
पत्तियां भी सही हो जाएगा और इसमें कली भी आपका भर भर कर आने लगेगा, यानी कि इसको ऊर्जा शक्ति बहुत ही ज़्यादा आप प्रोवाइड इसमें कर देंगे। और ऐसे भी जिसका बगिया फूलों से भरा हुआ रहता है तो उस घर का व्यक्ति अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करता है, वो देखने का चीज़ है कि ये हमारे पौधे में दिख जाता है। तो दोस्तों अब ये आपको बता रहे हैं, ये है हमारे हाथ में चौक, और आप यदि घर पे बागवानी करते हैं तो इस तरह का चौक अपने घर पर मंगा कर रख ही लें, क्योंकि ये भी हम अपने पौधे में डालते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से पत्तियां को निकालेंगे, और निकालने के बाद कितने लोग होते हैं कि इसे चूर कर देते हैं, पर हम बिना चूरे हुए देंगे तो इसमें हमारे पौधे में काफ़ी समय तक इसमें हमारा कैल्शियम का कमी जो है वो धीरे 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 पूरा करते रहेगा। और इस अवस्था में देखकर आपको लग रहा है इसका भी हम कटाई किए थे और सब जगह दवाई लगाए थे, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा सा इसमें कैल्शियम का कमी आ रहा है तो हम ये चीज़ देंगे और 3 साइड देंगे। इस तरह से हम पहले कुड़ाई कर लेते हैं, जब भी कोई काम करें तो आपको इस तरह से जब दवाई डालें तो आपको ऐसा ना लगे 2-3 दिन पहले कुड़ाई किए अभी नहीं करते हैं। आप जब मन चाहे तो 3-4 दिन पर आप इसका कुड़ाई जरूर करें। ये फ्री का चीज़ है कोड़ने का, पर इसका रिजल्ट आपको जब दिखेगा, ऑक्सीजन इसमें इसका ऑक्सीजन लेवल पहुंचेगा तो ये पौधा अपने आप में देखेंगे कि हमारा ग्रोथ कितना अच्छा आ रहा है। तो हमें डालना है इससे 3 साइड, इस तरह से डाल देते हैं, एक इधर डाल देते हैं, हाथों की मदद से इसे दबा दें। जैसे कि यहाँ आप देखें हम इस तरह से डाल रहे हैं, इस तरह से डालने के बाद 3 साइड में इस तरह से दबाना है, इस तरह से दबा दें। और दबाने के बाद जब आप हफ्ता दिन के बाद कुड़ाई करेंगे तो आपको इस तरह दिखेगा। ये हमारे गमले में पहले से दिखा हुआ था, साइज आपको दिखाते हैं, इसका साइज में मोटापन है, इसका साइज आपका दुबला हो चुका है, यानी कि ये धीरे धीरे हमारे पौधे में इसे न्यूट्रिशन पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अपने पौधों में देखभाल करें, और कुछ कसर रह गई हो बताने में तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट का जवाब सबको देते हैं दोस्तों, आपको भी देंगे। हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।